आइए दोस्तों देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। देखिए पूछा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये जूनियर क्लास में भी और सीनियर क्लास में भी पूछा जाता है। इन इज ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ऑन फूड, ओ डब्ल्यू एन ऑन फूड। जब कोई हरे पेड़ पौधे अपना भोजन सनलाइट और क्लोरोफिल की सहायता से बनाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रॉ मटेरियल के रूप में उसको चाहिए। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है आपका फोटोसिंथेसिस का, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंट में सनलाइट पड़ता है और क्लोरोफिल पत्तियों में जब पाया जाता है, हरे पत्तियों में, कैसे पत्तियों में, ग्रीन लीफ में पाया जाता है, तो ये रिएक्शन होता है और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस निष्कासित होता है और वाटर वेपर बन के निकलता है। तो ये चीज जो है क्लोरोफिल के कारण ही होता है और हाँ केवल पत्तियों के द्वारा ही पौधों का भोजन नहीं बनता है, स्टेम अगर हरा है तो उसके द्वारा भी भोजन प्रिपेयर कर सकता है। देखिए क्लोरोफिल का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C55H72O5N4 और Mg। तो पूछा जाएगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व है, तो कहिएगा मैग्नीशियम है। तो ये है फोटोसिंथेसिस और ये जो सिक्स आप देख रहे हो ये बैलेंस किया गया है, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ एटम की संख्या समान रखने के लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा फोटोसिंथेसिस, इसको अच्छे से राइट कर लीजिए और समझ लीजिए और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।